अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन और आप देख रहे हैं रेहान चैनल। आज मैं बात करूंगा मौलवी रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और यहां पर लिखना है bsmeb.org और सर्च कर दीजिए और आपके सामने ऐसा खुल कर आएगा bsmeb। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि FM रजिस्ट्रेशन कार्ड आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप आ जाइएगा। उसके बाद तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोड रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑफ फोकानिया, तो हम फोकानिया का वीडियो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे में रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑफ मौलवी, तो अभी हम मौलवी का रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करेंगे। चलते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं मौलवी पर। और यहाँ पर देख रहे हैं कैंडिडेट रेफरेंस नंबर, तो आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उसमें 7 अंक का नंबर होगा, उसको इसमें डालना है। ठीक है, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर या फॉर्म पर भी आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा, तो वो नंबर 7 नंबर इसमें डाल देना है। ठीक है, तो हम डाल दिए और यहाँ पर हम सर्च करेंगे। देख लीजिए रेफरेंस नंबर ऐसा होता है, रजिस्ट्रेशन जिस जो हमने किया है उस पर ऐसा होगा। आप देख सकते हैं कि खुल रहा है, नेट स्लो है जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, माजरत खा हूँ मैं। देख रहे हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना मौलवी इम्तिहान 2022 मौलवी एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड। आप देख सकते हैं MD आरिफ अंसारी उम्मीदवार का नाम। अब यहाँ पर हमको गौर करना है अपने नाम में, अपने वालिद के नाम में और अपनी अम्मी के नाम में, और डेट ऑफ बर्थ में हमको देखना है कि कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, अगर गलत है तो आप अभी सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप सुधार नहीं करवाइएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप सबसे पहले आप देख ले कि मेरा नाम सही है कि नहीं। ठीक है, और डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं ऊपर में प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप इसको